जय माँ कात्यायनी। हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में, क्या कहती हैं हाथों की रेखाएं। मैं हूं आपके साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत ज्ञान मिलता रहता है, जिसके माध्यम से आप स्वयं हस्तरेखा भी देखते हैं, अपनी पत्रिकाओं को देखते हैं, ग्रहों के बारे में जानकारी भी आप रखने लगे हैं। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा इस विषय के माध्यम से कि रोग और हस्तरेखा का दोनों का कम्युनिकेशन कैसा है, इनका दोनों का संबंध कैसा है। जैसे कि मोटे मोटे रूप में आपको बताऊंगा आज मैं कि कौन से ग्रहों से कौन सा रोग होता है। अगर किसी कारणवश आपकी हस्तरेखा में चंद्रमा पर दोष होना, शुक्र पर दोष होना, गुरु पर दोष होना, शनि पर दोष होना, सूर्य पर, बुध पर, मंगल पर दोष होना, क्या क्या रोग देता है। वैसे इसके बहुत जो है गहरे संबंध भी हैं और बहुत गूढ़ विषय भी है, बहुत गहराई से इसको देखा भी जाता है, लेकिन आपको इतना समय तो होता नहीं है क्योंकि आप समझ सकते हैं। इसलिए अगर आपके चंद्रमा पर दोष होता है तो चंद्रमा पर दोष होना, व्यक्ति मानसिक रोगी होना, जलोदर रोग होना यानी शरीर में पानी पड़ना, मोटापा होना, ये सब समस्याएं होती हैं। मंगल पर अगर दोष है, मंगल पर क्रॉस बना हुआ है, मंगल पर्वत दोषी बन रहा है, तो मंगल पर्वत दोषी बनने से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं पराक्रम शक्ति यानी बलहीन होते हैं, बहुत जल्दी कमज़ोर पड़ जाते हैं, बुखार होने लगता है, खून की कमी हो जाती है, ये समस्याएँ भी आपके मंगल की वजह से आती हैं। अगर आपके सूर्य पर दोष है, सूर्य की रेखा में या सूर्य के पर्वत में दोष है, या सूर्य की उंगली में कहीं कोई निशान आ रहा है जिसके माध्यम से आपके यश, मान सम्मान, बुद्धि और विद्या में दोष उत्पन्न होता है। अगर आपके बृहस्पति पर दोष है तो आप अक्सर माता पिता का सम्मान करने में कमी रखते हैं, उनकी सेवा नहीं कर पाते, उनकी सेवा से आप दूर हो जाते हैं, गुरु क्या ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं, शिक्षा आपकी अच्छी नहीं हो पाती है, ये भी कहानियाँ आती हैं, ये भी इसमें गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त होता है। आपके शनि में दोष है तो जमीन जायदाद में समस्या आती है, घर मकान खरीदने में या बेचने में समस्या आती है, मकान आप बेचना चाहते हैं बिक नहीं रहा, प्रॉपर्टी में जब आप कुछ निवेश करते हैं तो वो निवेश अच्छा मिल नहीं पाता, ये कब होता है, जब शनि में दोष होता है। भाग्य रेखा में दोष होना तो अपनी अलग चीज़ें हैं। तो ये सारी समस्याएँ तो हैं आपके साथ, लेकिन ये शरीर के एक तरह से मानसिक रोग विशेषकर आपके जीवन में उत्पन्न होता है, ये समस्याएं तो आपके साथ होती होती हैं। आप मस्तिष्क से परेशान होते हैं, सिर दर्द से परेशान होते हैं सूर्य की वजह से, आप पेट में समस्याएं लेकर के, हड्डियों में दर्द शनि की वजह से, कुछ जीवन की समस्याएं आपके शरीर का रोग, ये दोनों सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आपका जो मस्तिष्क का पिछला हिस्सा है, साथ में आपके नसों में दर्द होता है, नाड़ियों में दर्द होता है बुध की वजह से, जब बुध में यहाँ पर दोष होता है तब। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों के द्वारा अलग अलग रोग और दोष, बाहर की जीवन की समस्याएं आपको मिलती हैं, कब, जब आपके हथेली में बैठे हुए ग्रह दोषी होते हैं। तो आप भी अपना हाथ देखें और ये देखें कहीं आपका हाथ भी दोषी तो नहीं, आपके हाथ में पर्वत दोषी तो नहीं हो रहे हैं कि आपके जीवन की बाहर की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, साथ में आपको रोग प्रदान करते हैं। तो मित्रों, अगले विषय में आपको और भी बताऊंगा इस तरह के अलग अलग गूढ़ विषयों पर कि कौन सा दोष, कौन सा रोग और कौन सा उपाय, तो इनके माध्यम से, इन ग्रहों का उपाय करके जड़ चैतन्य, अलग अलग उपाय भी होते हैं, मंत्र तंत्र ऐसे बहुत सारे उपाय होते हैं, औषधीय उपाय भी होते हैं, तो उपायों करके आप अपने जीवन को निरोगी बना सकते हैं, समस्या से मुक्त बना सकते हैं। मित्रों, इसी विषय के साथ अब बाड़ी के साथ अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले विषय में, तब तक मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।